मध्य प्रदेश के इंदौर में 16 फरवरी को फर्जी टिकट चेकर बनकर ट्रेनों में यात्रा कर रहे यात्रियों को ठगने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की पहचान प्रशांत पांडा के रूप में हुई, जो पुणे का रहने वाला है और अब तक वो कई राज्यों में कई लोगों को ठग चुका है। कोरोना महामारी के दौरान आरोपी की नौकरी चली गई, जिसके बाद से उसने फर्जी टिकट चेकर बनकर लोगों को ठगना शुरू किया और कई लोगों को वो अब तक ठग चुका है, जिसमें से 80 वारदातों को उसने कबूल भी किया है। उज्जैन स्टेशन पर एक महिला फरियादी द्वारा ये बताया गया कि किसी व्यक्ति द्वारा अपने आप को टीटी बताकर उससे उसका एटीएम कार्ड और मोबाइल ले गया कि वो उसे टिकट दिला देगा। उसका टिकट कंफर्म नहीं था, उसने यूं ही बात कर ली उससे। 10 मिनट की बात में वो उसका एटीएम ले लिया। एटीएम में उसने भूलवश पिन नंबर लिख रखा था, तो उसने पैसे भी निकाल लिए एटीएम से जाके, और मोबाइल लेके जब थोड़ी देर बाद वो वापस नहीं आया तब वो तत्काल थाने पे पहुंची। तो तुरंत फिर उज्जैन स्टेशन पे जो अपने कर्मचारी हैं वो उसको पकड़ के ले आए। वो व्यक्ति मिला जिसका नाम है प्रशांत पंडा, उम्र है 34 साल, रहने वाला पुणे का है। इसके यहाँ आने से पहले वो बैंगलोर में काम वाम करता था। कोरोना में वो काम जहाँ करता था वो मॉल ही बंद हो गया, तो फाइनली वहाँ से अब ये घूम घूम के केवल ठगी करता है। बाकी अन्य राज्यों में भी इसका मूवमेंट है। जब इसके टेक्निकल सेल के माध्यम से इसके पूरे मूवमेंट्स पता किए गए तो गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और टोटल 5 राज्यों में इसका मूवमेंट मिला, जहां पर ये अपने आप को ऐसे ही टीटी जैसे बताकर और टिकट दिलाने के माध्यम से लोगों से ठगी करता है। आरोपी मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और ओडिशा में भी ठगी कर चुका है। एक यात्री से 1 लाख रुपए की ठगी करने के आरोप में उसके खिलाफ दिल्ली में भी FIR दर्ज की गई थी। टिकट कंफर्म कराने के बहाने उसने महिला यात्री के ATM से 11,000 रुपए भी निकाले थे। ब्यूरो रिपोर्ट, ABTV भारत। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।